طرف سے ہے اور ٹلو بھائی دیش بھکت گیت ہوتا کیسے بات وہ ہے کہ ہماری کسی میا کا بیٹا چلا گیا ہاں کسی بہنا کا بھیا چلا گیا اور کسی دلہن کا وہ سہاگ چلا گیا لیکن آج ہم یہاں سوتنتر بیٹھے ہیں ہو آج ہم یہاں سوتنتر نہیں بیٹھ پاتے اگر وہ سرحد پر جوان نہیں ہوتے کیوں جب جو ابھی کہہ رہے تھے کہ راج مستانہ تم تو مونچھ نہیں ہے اور لیکن کے مونچھ ہیں ہاں میں مونچھ والوں سے بات کر رہا ہوں جاہو دیکھ ہنو بجی کون تھی کتبو یا لیا اور کافی ہے ندیا کنارے میں چھوا مر جائے گا تیرا منڈن کرا دوں گا اے دردے ایسے دیکھ رہا ہے جیسے چٹے مقام اس رکھے ارے چنگاریوں کے بیچ میں یہ سولا کہاں سے آ گیا یہ کیرتن کے بیچ میں ڈھولا کہاں سے آ گیا اور یہ بہت زور شور سے چلا رہا ہے بہت دیر سے دیکھو تو صحیح ہے ہربولا کہاں سے آ گیا اب نیچے سے اوپر نظر نہیں ہوگی اس کی اور سن پاکستان اے پاکستان یہ دنیا میں ایک بات یاد آتی ہے جہو سال سے نہیں سیکھ پائے تو آپ سیکھ لو کوئی بات نہیں اور ہیمراج کا سر کاٹ کر کے پردھان جی جب پاکستانی لے گئے تو میں ایسے مونچھ والے کی بات کر رہا ہوں جو کہہ رہے تھے کہ تیرے مونچھ نہیں ہے اس کے مونچھ ہے تو اس سے ایک جواب پوچھوں گا ہیمراج کی پتنی کہنے جب پاکستانی شیش لے گئے تو آج ہیمراج کی پتنی کے پاس میں بہت نیتا کہے کہ تیرے لیے ہم دھن دولت دے دیں گے اور یہ
महान आशीर्वाद हमारी बहन जी द्वारा आया है, जे एक देवी द्वारा आशीर्वाद है। एक बार दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाए, बोल दुर्गे मैया की जय। अब जिस समय जब गोली लगी जवान पे, इधर हेमराज की पत्नी और ये कुशवा समाज कमेटी की तरफ से ये 101 रुपए का आशीर्वाद हुआ है, हाथ हाथ बंधन है। अब हेमराज की पत्नी प्रधान जी क्या कहती है कि कोई नेता गया हेमराज की पत्नी के पास का, तेरे लिए हम धन दौलत दे देंगे। उसने कहा मुझे धन दौलत की जरूरत नहीं है। पूरी कट्टे को आया, कोई नेता गया हम तेरे लिए महल बनवा देंगे। उसने कहा कि मुझे महल की भी जरूरत नहीं है। अरे तुम मूछ वाले बनते हो तो केवल एक काम कर देना मेरा, फिर रखो हिंदुस्तान को जवाब पाकिस्तान को, और जाओ उसके बॉर्डर पे जाकर के दीजिए। इधर देखो है बकबू चढ़े, इधर देखो तालियां देखना कैसी बजेंगी, कैसी बजेंगी तालियां है जो इधर तालियां बजवाते नहीं है। ऐसी तालियां तो मदारी कह के बजवा लेता है, बंदर बन लिया तो फिर तालियां अपने आप बजे, तो ये अभी मदारी से कम नहीं है। शीशा में चेहरा देखा नहीं और चले जाए। अब हेमराज की पत्नी देखिए, अगर मुझे कह दिया मैं बेमूछ वाला हूँ, तो ये अगर असल बाप से पैदा है मूछ वाला है तो केवल एक काम करके दिखा दे। हेमराज की पत्नी कह रही है मेरी कहना कर रखो हिंदुस्तान को जवाब पाकिस्तान को, और जाओ उसके बॉर्डर पे जा करके दीजिए। कहते शहीद जिन्हें अंतिम विदाई उन्हें तुम गीत बनते मातरम का गा करके दीजिए। कि दौलत की चाह नहीं और कोई राह नहीं, तुम मूछ वाले बनते हो तो आ करके दीजिए। जो दर्द मुझे दे गए वो पाकिस्तानी ले गए, वो शीश मेरे सैया का ला करके दीजिए। शीश मेरे सैया का ला करके दीजिए, शीश मेरे सैया का ला करके दीजिए। अब देखो ये बज रही है ताली, ताली नहीं बज रही है, ये इनके मुंह पर तमाचे से पड़े रहे। क्यों और ये हमारे प्रदीप यादव भैया अक्सोली चौराहे की तरफ निहाल कर की तरफ से 101 रुपए का आशीर्वाद है, हाथ हाथी वंदन है, अभिनंदन है। और ये 101 रुपए का आशीर्वाद सम्मानी बड़े भैया हमारे उमेर धर्मसी की तरफ से आशीर्वाद हुआ है, हाथ हाथी वंदन है, अभिनंदन है। देखना एक एक लाइन पे अगर आपकी तबीयत नहीं खुश हो जाए तो आपसे गाना बजाना राज मस्ताना बंद कर दे। ना भैया, ये शॉर्ट वे हमारे चंद्रपाल भैया नगला भूल की तरफ से आशीर्वाद दे रहे हैं, हाथ हाथ वंदन अभिनंदन है। और ये 50 रुपए हरकेश कुमार नगला भूल की तरफ से आशीर्वाद है, हाथ हाथ वंदन अभिनंदन है। और ये सबसे बड़ा महान पुरस्कार हमारे उस्ताद द्वारा ये आया है, एक बार सभी भक्त दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे, बोल भारत माता की जय। क्योंकि उसी की बदौलत आप हम यहाँ स्वतंत्र बैठे हैं। आज जब हेमराज की पत्नी कहने लगी जो दर्द मुझे दे गए वो पाकिस्तानी ले गए, वो शीश मेरे सैया का ला करके दीजिए। अब रही बात, वो जवान कहता है कि मेरे गोली कैसे लगी, अब वो जवान कैसे बता रहा है। ये है गाना बजाना, गाल बजाना नहीं है, गाना बजाना है। के घुस पे ती तोड़ी घुसने को, जी घुस पे ती तोड़ी आई है। मेरे गोली लगी कैसे, ना घुसने दिया मैंने सीमा में, चासी ना पे गोली आई है। मूर्ख क्या जाने
रहेगा किसी का दर्द और दुख क्या होता है। मंटोली लाला जब दर्दे दिल से दिल पे उठे तो आपकी हालत क्या होगी। कैया का पछड़ा पिछड़ जाए तो कैया की हालत क्या होगी। जब पिता की ऐसी हालत है तो मैया की हालत क्या होगी। मैया की हालत चार भाइयों को जब ये बताया और ये हमारे देवेंद्र भैया की तरफ से कृष्णा स्टूडियो की तरफ से जो कल नेट पर आप यही कार्यक्रम सुनेंगे उनके द्वारा ये 101 रुपए का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। हाथ-हाथ बंधन है, अभिनंदन है आपको। जवान प्रधान जी देखना वो जवान की अंतिम इच्छा क्या है। अब वो इच्छा बता रहा है कि अगर मेरी इच्छा करना चाहते हैं तो एक इच्छा कर दो। तो उन जवानों से वो अंतिम सांसों में वो जवान इच्छा क्या बताता है।
अलीगढ़ के पास छावनी पड़ता है, अलीगढ़ के पास छावनी पड़ता है, वहां के जितेंद्र फौजी जो चार दिन पहले बेटी की अपने पिता से बात हुई, और ये 101 रुपए का आशीर्वाद हमारे सम्मानित केपी प्रधानी के कर कमलों द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, जिनके ही द्वारा आप लोगों के दर्शन हुए हैं। और ये मैं बहुत बड़ा ये समझ रहा हूं कि आप लोगों का परम पूर्ण आशीर्वाद। आज देखिए जो बेटी का नाम था छाया, और बेटी की बात अपने पिता से चार दिन पहले बात हुई कि पापा जी आप कब आ रहे हो। पिताजी कहने लगे कि बेटी मैं चार दिन बाद में छुट्टी लेकर के आ रहा हूं तेरे पास। बेटी का